देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। जनपद कानपुर देहात के झिंझक कस्बा की भारतीय स्टेट बैंक में डेरापुर क्षेत्र अधिकारी तेज बहादुर सिंह व झिंझक चौकी इंचार्ज अनुराग पांडे ने फोर्स के साथ चेकिंग कर बैंक के अंदर मौजूद लोगों से बातचीत कर दस्तावेज चेक किए। इसके बाद बैंक परिसर के चारों तरफ निरीक्षण कर कैमरा आदि चेक किए। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर डीके द्विवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष बैंक के पीछे से अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी करने का प्रयास किया था, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वहीं तेज बहादुर सिंह ने बताया कि रूटीन चेकिंग अभियान चलाया था। सर, आज क्षेत्राधिकारी डेरापुर आपकी बैंक में आए थे, क्या था मामला, क्या उन्होंने देखा? आज क्षेत्राधिकारी डेरापुर के तेज बहादुर सिंह ने ब्रांच में विजिट किया, चारों तरफ ब्रांच के बिल्डिंग का सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखा, ऊपर देखा, साइड में देखा तथा जो उचित सजेशन थे ब्रांच के सिक्योरिटी पर्पज से वो उन्होंने सजेस्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसा कि पिछले वर्ष कोई सेंध लगी थी बैंक में, उसी मामले को देख कर क्या आए थे? ये उनका आउटलुक है कि क्या देख के आए थे उन्होंने, लेकिन आज सिक्योरिटी पर्पज़ देखा हमारा। पिछले साल सेंध का प्रयास हुआ था, उसकी FIR शाखा द्वारा करा दी गई है, हो सकता है उसी के परिप्रेक्ष्य में आए हों, लेकिन आज जो उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखा उस पर हम लोग अमल करेंगे। SBI में आपने चेकिंग की है, क्या था सर पूरा मामला? कस्बा झिझक में कई एक बैंक है और इन बैंकों के आसपास कई एक घटेबाजी और ग्रामीण लोग जो नशा कंट्रोल शुरू करते हैं, कई एक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और बैंकों में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उसका मुआयना किया गया कि बैंक के आसपास कोई संदिग्ध मोटरसाइकिल तो नहीं खड़ी हुई है और साथ ही साथ में कोई बैंक परिसर में कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं खड़ा हुआ है। इन चारों ओर से बैंक का मुआयना किया गया, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बैंक परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। कानपुर देहात से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।